बिहार में मेरा कोई जनाधार नहीं है, धीरे धीरे घसकते जा रहा है। सीबीआई का तो नियत हो गया, 30 वर्ष से देख रहा हूँ इस तरह की छापेमारी, सत्य की विजय होगी। सभी लोकतंत्र का जो खंभा है उसको ध्वस्त करना चाहता है मोदी और अमित शाह। इनके पास तो कोई एक नेता नहीं है जिसके आगे सहारा लेकर के लड़े। देखिए सरकार जो है तंत्रों का उपयोग कर रही है, सरकार के पास कई ऐसे तंत्र हैं, ईडी है, सीबीआई है, आयकर विभाग है, इन तमाम विभागों का ये जो है सहारा ले रही है, क्योंकि ये समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि बिहार में मेरा कोई जनाधार नहीं है, धीरे धीरे घसकते जा रहा है। इनके पास तो कोई एक नेता नहीं है जिसके आगे सहारा लेकर के लड़े। कभी उपेंद्र कुशवाहा को मिलाते हैं, कभी मुकेश साहनी, जिन राज्यों मुकेश साहनी गाली देने का काम किया भाजपा को, आज उसी लोगों को मिलाने का काम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है इस सब घटना से डरने वाले नहीं हैं। 30 वर्ष से देख रहा हूँ इस तरह की छापेमारी, सत्य की विजय होगी। 2024 में जो राष्ट्रीय जनता दल का जो महागठबंधन है, हम 40 का 40 सीट जीतेंगे। अभी 5 मिनट पहले हमने कहा कि देख लेते हैं क्या है, सीबीआई का तो नियत हो गया। लालू यादव ही नहीं, ममता बनर्जी पर अटैक करता है, ये वहाँ का जो शिक्षा मंत्री है उसको भी उन्होंने जेल में भेजवा दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को। दिनेश प्रसाद यादव न्यायपालिका पर आघात कर रहा है, न्यायपालिका ने भी सजग हुआ है। अब चुनाव आयोग का जो गठन होगा उसमें उसकी भी भागीदारी के लिए इनके नियत को देखते हुए किया है। ये सभी लोकतंत्र का जो खंभा है उसको ध्वस्त करना चाहता है मोदी और अमित शाह।